किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कुलदीप। मैं डॉक्टर कुलदीप शर्मा। तो मैं हूँ डॉक्टर फिजा खान। इंडिया का केरला का डॉक्टर है, ठीक है, उसका वर्ल्ड में नाम है। हलवा पकाओ। ये दिल से, उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है। मारे? हाँ? मारे? हाँ? भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। ऐसे नहीं बना था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। Not bad. ये जो गवाले हैं, ये दूध में पानी मिलाते हैं। माल बेचते वक्त तराजू में हेर फेर करना, अच्छा माल दिखाकर खराब बेचना, मस्जिदों से जूते चुराने वाली कौम। जज्बा कहाँ से आया? तो मुझे लगता है जज्बा कहाँ से आया, क्योंकि पाकिस्तान का वजूद अमल में आया था इस्लाम के नाम पर, और जो इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है, ये तो जज्बा ईमानी है, ये ईमान का जज्बा है। जज्बा बहुत ज्यादा था, क्योंकि जो जज्बा होता है ये सब कुछ होता है। मैं दोबारा कहना चाहूंगी कि जज्बा ईमानी, जो ईमान की ताकत होती है, ईमान का जज्बा होता है, वो सबसे बड़ा स्किल होता है। आपके सबसे पहले घबराना। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। और सुने, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं। बहुत बढ़िया। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। तो जश्न मनाया जाए। सदियों से इस संसार के अंदर माइग्रेशन चलती आई है, लोग पुराने जमाने से ही एक दूसरी जगह पे जाया करते थे, रीजन भले कुछ भी हो, और वो परंपरा वो रिवाज आज भी चालू है। पूरी दुनिया के लोग पूरी दुनिया के अंदर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, सेटल होते रहते हैं, अपना काम निकालते रहते हैं। ये रिवाज सदियों पहले भी चालू था और आज भी चालू है। इसी रिवाज के अंतर्गत भारतीय लोग भी विदेशों में जाते हैं, कुछ नौकरी करके वापस आ जाते हैं, कुछ वहीं सेटल हो जाते हैं, कुछ दूसरे मुल्कों में भी चले जाते हैं, कुछ और मुल्कों में भी चले जाते हैं। इसी तरीके से हमारे पाकिस्तानी भी जाते हैं, बांग्लादेशी भी जाते हैं, ये तीनों मुल्क एक ही मुल्क से बने हुए हैं, लेकिन इन तीनों मुल्कों के लोगों में जमीन आसमान का फर्क है। मैं ये कभी भी नहीं कहता कि सारे हमारे हिंदुस्तानी एक नंबर के टॉप है, अव्वल दर्जे के हैं। होते हैं हमारे अंदर भी ऐसे कुछ, लेकिन उनकी परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन अगर बात की जाए पाकिस्तान और बांग्लादेश की, इनके अंदर उल्टा है, इनमें अच्छे लोग कुछ परसेंटेज में मिलेंगे आपको। ये भाई साहब है पाकिस्तानी, ये दुबई में रह चुके हैं, दुबई में काम कर चुके हैं, वहां पर ये रहते थे हिंदुस्तानियों के साथ में भी, बांग्लादेशियों के साथ में भी, हिंदुओं के साथ में भी, मुसलमानों के साथ में भी। इन्होंने जो एक्सपीरियंस किया हम हिंदुस्तानियों के लिए, खासतौर से हिंदुओं के लिए, उसको सुनने के बाद पाकिस्तानी रिपोर्टर के तो मुंह चार बार आ आ आई रह गए। और चाचा ने जो जो बातें बताई है, आप यकीन मानना पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं बोल सकता। इसलिए आज का वीडियो देखने के बाद में आपको बहुत मजा आ जाएगा। तो बिना देर के चलते पाकिस्तान। मैं हूँ पाकिस्तान। एक खबर सामने आ रही है, मलेशिया जो कि एक मुस्लिम कंट्री है, वो बोल रहा है कि बहुत शुक्रिया भारत, आप लोग हमारे असल भाई हो, क्योंकि आप लोगों ने हमें 1,70,000 टन चावल के दिए हैं। ये सिर्फ इंसानियत देख रहे हैं, हमारे भारत में इंसानियत है। भाई मेरे साथ काम करते रहे हिंदू, वो हम लोगों से अच्छे हैं। बाय गॉड यू बिलीव, हम लोगों से अच्छे हैं वो। आई ट्रस्ट यू। उनमें कोई झूठ नहीं। ये आप किसी दुकानदार के पास चले जाओ, मिलावट सब कुछ। एक मिसाल दीजिए, आपने इतना अरसा उनके साथ काम किया, तो कोई एक मिसाल दीजिए, थोड़ा सा इधर हो जाए। कोई ऐसी वो दो नंबर चीज नहीं देखी, दो नंबर चीज मैंने उनमें नहीं देखी। वो जैसे हम में है ना मुनाफ़त बड़ी भरी हुई, उनमें नहीं है। जो जबान पे है वही दिल में है। अच्छे बुरे तो हर जगह होते हैं, इधर तो सब यही है। क्या कोई वाकया हुआ था वहाँ पर? क्या कोई मसला हुआ था वहाँ पर? मैं बोलता हूँ मेरे साथ जॉब करते रहे हैं, मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज था उधर, मुसलमानों से ज्यादा। अभी ये दुबई है, ये ज्यादा इंडियन को पसंद कर रहा है। आपने बोला है कि उनमें ज्यादा ईमानदारी है, तो जाहिर है वो हिंदू थे तो वो इंडिया से होंगे, ठीक है। तो क्या इंडियंस वहाँ पर किस क्या क्या उनका देखा? कि मैंने पीछे उनसे कोई बुराई नहीं देखी किसी की। जैसे कि दुबई पाकिस्तानियों को बुरा समझता है, ये लोग वहाँ पर जाकर ड्रग सेलिंग करते हैं, भीख मांगते हैं, सऊदीया में करते हैं, तो क्या इंडियन भी वहाँ पर ऐसा? ना 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 ना, कोई भी नहीं, नथिंग, कोई भी आपको नहीं मिलेगा। हाँ अगर वो ऐसा होगा तो अपना भी मिलने जुलने वाले के पास चला जाएगा, प्लीज ये मेरे को प्रॉब्लम है, मेरी हेल्प कर दो। इतना डिफरेंस कैसे है? हालांकि हम भी तो पहले उन्हीं के साथ ही रहते थे। हम ये हैं कि अभी जो हालात है, हम सुबह उठे तो लाखों लाख पति हुए हैं, करोड़ों में हमें मिले, उनमें नहीं है। देखो स्टेप बाय स्टेप आदमी ऊपर जाता है ना, वो मेहनत करते हैं। आज आप यकीन करें सऊदी इतनी है उनकी कि आप सोच भी नहीं सकते। एक टॉयलेट में काम करने वाला हाउस कीपिंग, इतनी उसकी हाई इंग्लिश है कि बता नहीं सकता। इंडिया की आपने खुद मतलब आप तो साथ रहे हैं, तो आपका खुद का एक्सपीरियंस हुआ होगा। बिल्कुल खुद का जी, मैं किसी के पे क्यों बिलीव करूं? आप यकीन करें सऊदीया ने प्रेफरेंस के वीजाज रखे हैं भारतीयों के लिए, दुबई ने रखे हुए भारतीयों के लिए, अमेरिका ने रखे हुए भारतीयों के लिए, इसराइलियों ने रखे। दुबई के 3 दिन हुए, दुबई का वीजा बंद हो गया ना सिर्फ इनकी वजह से। अभी आप रोड पे चले जाएं, कोई वाकफ नहीं है, प्लीज
ये मैं आया था, मेरा पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे को वकील वो कफील नहीं मिल रहा, मेरी कुछ हेल्प कर दो। आदमी देखो, अगर मेरे को कोई मिला कितनी हेल्प कर दूंगा, 5 नहीं तो 10 दे दूंगा। एक दफ़ा उसको मिला, उसको आदत पड़ गई। अभी ये कितना फकीर खड़ा है, मैं किसी को 1 रुपया नहीं देता। ये डिजर्विंग नहीं है, मैं खुद मानती हूँ। अब देखे ना, हाथ पांव सारे सलामत है। चीज़ है, अभी आप इनका ये लाहौर के हर चौक पे चले जाओ, आपको मांगने वाले मिलेंगे। और सुबह कभी 5 बजे देखो जो गाड़ियों पे इनको छोड़ के जाते हैं। बिल्कुल सही बात है, 100%। तो ये इसका ये हमारा काम है देखना सब कुछ। तो फिर क्या सही कहते हैं कि ये लोग बाहर आते ही मांगने आते हैं? सही बोल रहा हूँ मैं आपसे, इसमें कोई शक नहीं। मुझे बताएं, अभी तक किसी मुस्लिम कंट्री ने हमें क्यों नहीं बोला थैंक यू पाकिस्तान, यू आर अवर ब्रदर? ये दिल से उनको मालूम है ना कि इनके दिल साफ नहीं है हमारे। हाँ, आवाम को तो बेचारी को खाने के पाले पड़े हुए हैं। आप यकीन मानेंगे, 30 साल में सिर्फ उधर अगर कीमत बढ़ती है ना, ये रमजान में भारत में इंडिया में दुबई में पाकिस्तानी मुस्लिम और बंगाली मुस्लिम बढ़ाते हैं, इंडियन नहीं बढ़ाएगा। यू बिलीव मी, आई ट्रस्ट यू, इंडियन नहीं बढ़ाएगा, पाकिस्तानी और इंडिया बंगाली बढ़ाएगा। इंडियन क्यों नहीं बढ़ाएगा? असल में उधर हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना। समझी नहीं, हिंदू मुस्लिम का मसला आ जाता है ना, तो वहाँ पर भी ये कोई रेट इतने हाई नहीं होते इंडिया में। अभी आप इधर से बॉर्डर क्रॉस करें, 30 किलो आटा है, 30 रुपए किलो आटा है, और इधर क्या किलो है? वो अपनी आवाम के लिए इतना सोचते हैं, तो हम क्यों नहीं सोचते? ईमानदारी उनमें, ईमानदारी है। बांग्लादेश में भी ईमानदारी नहीं है? बांग्लादेश भी जहाँ उनका दाव लगता है, वो कहते हैं इंग्लिश की थी पंजाबी का दाज, इधर लगता लगा उनका भी जहाँ दाव लगता, और बंगाली भी मांगते हैं। नजर में सिर्फ ईमानदार इंडियन है। मैं ईमानदारी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बिजनेस में तो सब प्रॉफिट लेते हैं, मगर स्कूल की बात, स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं। तभी वो आज हमसे आगे है, तभी उनकी सबसे बनती है। मैं बोलता हूँ कि आप इंडिया का केरला का डॉक्टर है, मद्रास का, उसका वर्ल्ड में नाम है। मैं उधर दुबई में कभी पाकिस्तानी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैं मद्रासी डॉक्टर के पास जाता था। आप यकीन मानो कि मेरे को 1 खुराक या 2 खुराक खा के मैं सही हो जाता था। इसमें क्या करूं मैं? I am speechless. अभी ये मेरी इधर सर्जरी थी हुई, उधर मैं दुबई से मद्रासी डॉक्टर से करवाई, पाकिस्तानी मेरे को बोलते थे ये वो, मैं बोला नहीं, आई नॉट इंटरेस्ट यू। उसने मेरे को इधर ये कैमरा डाल के पूरी सर्जरी की है, पर सब प्लास्टर की मेरे पड़ी हुई है, और कोई उधर ऐसा सिस्टम नहीं। हालांकि इंश्योरेंस था जो एक मुनासिब रेट था, मेरा तो 1 रुपया भी नहीं लगा। उसने नहीं, नहीं वो गवर्नमेंट ने पे किया ना, दुबई गवर्नमेंट ने, मेरी कंपनी ने। तो यहाँ पर आदमी किसी इधर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, वहाँ पर आप एक डॉक्टर के पास गए हैं ना, तो आपको 7 दिन वो फ्री देखेगा, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं। मैं ये बातें सुन के बहुत हैरान हो रही हूँ। आपने केरला के डॉक्टर की बात की है, कौन है वो? और मद्रास, और इधर आप डॉक्टर के पास आज गए हैं? दुबई में है केरला और मद्रास? नहीं, इंडिया में है ना केरला और मद्रास। केरला में डॉक्टर कौन सा? नहीं, दुबई में ये डॉक्टर है मद्रास के और केरला के, और इधर आप आज गए हैं 4,000, कल गए हैं 3,000, तीसरे दिन गए हैं 3,000। अभी सब कुछ तो डॉक्टर को दे दिया, क्या करेगा आदमी? MRI होती है, और अगर सही नहीं हुई तो 10 बार भी वो सही नहीं हुई तो 10 बार करेंगे। डॉक्टर को थैंक यू बोलना चाहेंगे? तो मैं तो बोलता ही थैंक यू उनको, ये मेरे लेंस पड़े आँखों में। भारत के डॉक्टर को थैंक यू बोलते हैं? हाँ बिल्कुल बोलता हूँ, ये मेरे लेंस पड़े हैं, मुझे आपके मुसाम भी नजर आ रहे हैं। किसने डाले हैं लेंस? ये इंडियन डॉक्टर था, डॉक्टर कलदीप, NMC हॉस्पिटल में। इधर हम किस पर इंटरेस्ट करें बताएं मेरे को, अल्लाह ही हाफिज़ है हमारे मुल्क का। आपने खुद बताया है कि उनमें और हम में कितना डिफरेंस है। जमीन आसमान का, कितना नहीं, जमीन आसमान का, 1 और 200 का फर्क है। आप किसी इंडियन दुकानदार के पास गए हो और 500 बार चीज निकलवाएंगे, आपको दिखाएगा, आप लें या ना लें वो बात की बात है, वो बड़ा अच्छा बिहेव होगा उसका। और पाकिस्तानी के पास चले जाओ 2 बार, यार ये दिखा दो, ओ नहीं भाई ये आप किसी और जगह से ले लो, ये हाल है। तो लो नहीं तो जाओ, ये करने जाते हैं हम भाई, देख लो जी बस। जाते तो हम वर्क वीजा लेकर है ना, क्या करते हैं ये, अभी तो उन्होंने बंद कर दिया ना, बैंक से लोन लेते हैं भाग आते हैं इधर, कितनी शॉप क्लोज पड़ी हुई है, 1-2 लाख दरम लिया भाग आए इधर, खलास। पीछे जो उन्होंने एम्प्लॉयज बुलाए हुए हैं वो बेचारे उधर परेशान हुए हुए हैं, और उनको भी मालूम है। मैं हमारे साथ आदमी थे पाकिस्तानी, जब एयरपोर्ट से निकलते थे ना, हम तो अपनी ट्रांसपोर्ट पे आ जाते थे, वो पैदल आता था, उसने नहीं पाकिस्तानी, उधर ही उसने अपना ड्रेस चेंज करना एयरपोर्ट पे, यूनिफॉर्म चेंज करके उसने कोई भी देखा, भाई यार ऐसे हो गया मेरे साथ, कोई थोड़ी भी हेल्प कर दो प्लीज, अल्लाह आपका भला होगा, मेरे बच्चों के पास कुछ खाने पीने के भी नहीं। आपकी आंखों देखा हाल है? आंखों देखा हाल है, वो तो हम एक बार उसके पीछे गए कि यार ये करता क्या है, इधर से ड्रेस चेंज करता और निकल जाता है पीछे। बहुत बड़ी बात है जो आप मुझे, कैसे इंडियन ने नहीं किया? मेरे बच्चे फ्री हो गए, नहीं तो मैं आपको वो दिखाऊं कि आप भी रोए मैं भी रो, वो बेचारा वो भी रोए। इंडियन नहीं करते? भाई गॉड, खुदा की कसम मैंने नहीं देखा किसी को, इससे बड़ी की बात है कोई नहीं देखा मैंने। क्या
बनेगा फिर हमारा? हमारा अभी बन गया ना, सब कुछ बन गया। अभी जब मुल्क का बेड़ा गर्क खत्म हो गया तो जो ट्रैफिक वालों ने शुरू कर दी है अपने फॉलो करना सब सब। वहाँ पर चोरी चकारी में नाम आते हैं, ड्रग सेलिंग में या लड़कियाँ छेड़ने में बाहर के ममालिक? हाँ हाँ आता है। इंडियंस की बात है? नहीं नहीं इंडियन का नहीं आता, होगा कोई एक आधा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं है। आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा कोई भी। आपको ज्यादा लगाओ उनके साथ था फिर वहाँ, क्योंकि वो आप मतलब अच्छा भी है? असल में मैं उधर एज ए सुपरवाइजर था तो मेरे साथ मेरे कोलीग थे वो सब दोस्त बन गए। हाँ तो हम इकट्ठे खाते पीते थे, यकीन माने आप। बात कर रहे अभी छूत नहीं हुआ? क्यों छूत क्यों हुआ? अभी मेरा फोन घर पे रह गया, मैं आपको दिखाता हूँ उसकी, तो मेरे को डेली काले आती, भाई आप आओ हम आपको मिस कर रहे हैं। बड़ी दोस्ती आपके साथ, बहुत शुक्रिया सर आप। हालांकि मैं चाहता तो वीडियो के बीच में आके चाचा को दो तीन रिप्लाई कर सकता था, लेकिन मुझे लगा कि अगर मैं बीच में आऊंगा तो फ्लो टूट जाएगा, तो चाचा का फ्लो बना रहना चाहिए। लेकिन जो चाचा ने बातें कही ना उसको सुनने के बाद मैं ईमानदारी से कहूँ तो दिल खुश हो गया, गार्डन गार्डन हो गया। ये उम्मीद नहीं होती कि पाकिस्तान के अंदर कोई इतनी साफ दिल से सच्चे मन से ऐसी बातें भी कर सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पाकिस्तानियों में अगर आपने देखा हो तो सिर्फ नफरत भरा हुआ है, जहर भरा हुआ है हिंदुस्तानियों के लिए और ख़ास तौर से हिंदुओं के लिए। अगर मेरे आप 100 वीडियो उठा के देख लोगे ना तो 99 वीडियो के अंदर पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों के लिए जहरी बोलते हुए मिलेंगे। और ये पाकिस्तानी भी इतना सुधरा हुआ इसलिए है क्योंकि इसने दुनिया देखी है, ये बाहर जाके आया, इसको पता है कि दुनिया के अंदर लोग कैसे रहते हैं और किन लोगों की दुनिया इज्जत करती है। इसलिए कहता हूँ पाकिस्तानियों अपनी हरकतें सुधार लो, अभी भी वक्त है, तुम्हारे मुल्क के अंदर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको देख के तुम सीख सकते हो, जैसे ये चाचा। खैर ये पाकिस्तानी जो सुधरने से रहे, आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन आपका है, आप भी पाकिस्तानियों को कुछ राय दे सकते हैं। और हाँ भाई लोगों, आजकल वीडियो को ना लाइक कर रहे हो, ना शेयर कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे भाई, कुछ नहीं कर रहे। औकात में रहो। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।